हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं रांची क्लिप्स। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे रांची के नजदीक एक पिकनिक स्पॉट जो बच्चों और फैमिलियों के साथ जाने के लिए सबसे अच्छा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रांची लालपुर से 100 किलोमीटर की दूरी में है बागमुंडा फॉल, जो गुमला के बसिया क्षेत्र में आता है। अगर आप रांची से जा रहे हैं तो सबसे पहले खूटी जाए, खूटी चौक से दाएं सीधे तोरपा के रास्ते बसिया जाना है। बसिया में ही बाएं आपको बागमुंडा फॉल लिखा हुआ द्वार दिख जाएगा, उसी के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी में है फॉल। अब बात करते हैं कि क्या है बागमुंडा फॉल की खासियत। पहली अच्छी बात है, यहाँ नीचे उतरने के लिए मात्र 60 से 70 सीढ़ी है, जो दूसरे फॉल की तुलना में कम है। अगर आप रांची के हुंडरू, दसम और जोन्हा फॉल जाते हैं तो वहाँ आपको नीचे 200 से भी अधिक सीढ़ी उतरना पड़ता है, जिसमें खाने का सामान साथ लेकर चलना उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा फैमिली के बच्चे और बूढ़े नीचे नहीं उतर पाते। यहाँ आप थोड़ी सी सीढ़ी पार करते नीचे पानी पास पहुंच जाइएगा। दूसरी अच्छी बात है कि यह कोयल नदी के तट पर है, जहाँ पानी घुटने के नीचे लेवल से बह रहा है, जिससे आप पैदल चलकर नदी पार कर सकते हैं। बच्चे पानी में खेलते कूदते नजर आएंगे। कम पानी होने के कारण यहाँ किसी के डूबने और बहने का डर भी नहीं होता है। पर ध्यान रहे कि यहाँ आपको जनवरी माह के बाद गर्मी के मौसम तक ही जाए, बाकी बरसात के दिनों में नदी का पानी उफान में रहता है। तीसरी अच्छी बात है कि नदी के किनारे आपको बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं, जहां आप उसके छांव में बैठकर खाना बनाकर पिकनिक का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां का बहता पानी बहुत ही साफ है, जिस पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथी अच्छी बात है कि यहाँ पानी के बाहर चारों ओर बालू है, जहाँ बच्चे बालू में खेलने का मजा ले सकते हैं। आइए एक नजर आपको अगल बगल का नजारा दिखाते हैं। इसमें बस एक चीज है जो थोड़ा डिसअपॉइंट करता है कि नाम तो इसका बागमुंडा फॉल है, पर फॉल के नाम पे आपको झरने गिरते कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। यह कोयल नदी का बहता पानी है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यह फॉर फैमिली के साथ आने के लिए सबसे अच्छा है। रास्ते भी सुनसान नहीं मिलेंगे और अंदर गाँव में आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। रास्ते में जगह जगह डायरेक्शन भी दिए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और झारखंड से है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।